तो क्या डॉक्टर प्रियंका चौधरी की टिकट फाइनल हो चुकी है, या फिर प्रियंका चौधरी की होने वाली सभा को लेकर जो मायने निकाले जा रहे हैं उनमें सच्चाई है? तमाम बातें बाड़मेर शहर की गली चौराहे पर की जा रही है। इतना ही नहीं, गांवों में भी अब यूसुफ सुबहाट होने लगी। जिस तरीके से भाजपा ने बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है, ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा की तीसरी सूची में बाड़मेर का नाम आ जाएगा, लेकिन वो नाम नहीं आया। और भाजपा ने अब जो छोटी सूची जारी दो नामों की है उसमें भी बाड़मेर का नाम नहीं है। लेकिन भाजपा की जैसे ही तीसरी सूची जारी हुई उसके बाद से बाड़मेर की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज होने लगी कि आखिर भाजपा बाड़मेर में किसको टिकट देगी। जैसे ही सूची जारी हुई उसके बाद प्रियंका चौधरी के समर्थकों द्वारा एक पोस्टर जारी हुआ और उसमें ऐसा बताया गया कि प्रियंका चौधरी 4 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी, साथ ही साथ शिंद्री चौराहे पर एक बड़ी सभा होगी। हालांकि सूची जारी होने के बाद पूरी रात तक ये पोस्टर लगातार वायरल होता रहा, लेकिन अब से 3 घंटे पहले प्रियंका चौधरी के ऑफिशियल पेज पर भी ये पोस्टर अब जो है अपलोड हो चुका है और उसमें कहा गया है कि हम नामांकन सभा करेंगे और वहां पर शिंद्री चौराहे सभा करने के बाद नामांकन भरेंगे। लेकिन इस बात को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है कि क्या प्रियंका चौधरी को भाजपा टिकट देगी। अगर हमारे भाजपा के सूत्रों की माने तो प्रियंका चौधरी की टिकट बाड़मेर विधानसभा से लगभग कट चुकी है। अब बाड़मेर विधानसभा से भाजपा किसको टिकट देगी ये बड़ी देखने वाली बात होगी। अगर प्रियंका चौधरी की टिकट कटी है तो 4 तारीख को होने वाली नामांकन सभा किस पार्टी से प्रियंका चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका चौधरी अपना नामांकन तो दाखिल कर देगी, पार्टी का सिंबल नहीं हुआ तो प्रियंका चौधरी बाड़मेर से निर्दलीय ताल भी ठोक सकती है। अगर प्रियंका चौधरी ने बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भाजपा का कोई दूसरा प्रत्याशी हुआ तो सीधा सीधा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले 4 बार की बात करें तो मेवाराम जैन 3 बार तो लगातार इसी तरीके से ही जीते, क्योंकि भाजपा के नेताओं में बगावत हुई थी और इस दरमियान मेवाराम को जीत मिली थी। क्या अब चौथी बार भी ऐसा होने वाला है मेवाराम जैन के साथ? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका चौधरी के नाम को लेकर जब जब भाजपा के आलाकमान से डिस्कशन हुआ तो वहां पर उनके नाम पर क्रॉस हुआ और प्रियंका चौधरी के नाम को लेकर असहमति बनी। अब भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर बाड़मेर में भाजपा किसको अपना प्रत्याशी बनाए, क्योंकि प्रियंका चौधरी सबसे मजबूत जो है दावेदार मानी जाती थी और ऐसा माना जा रहा था कि अगर बाड़मेर में मेवाराम जैन को कोई टक्कर देने वाला है तो वो प्रियंका चौधरी है। हालांकि प्रियंका चौधरी के नाम के बाद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का नाम आने लगा, लेकिन कैलाश चौधरी की बात माने तो कैलाश चौधरी के सूत्रों से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि कैलाश चौधरी किसी भी प्रकार का रिस्क बाड़मेर में चुनाव लड़के नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी ये सोचते हैं कि मेवाराम के सामने जिस तरीके से प्रियंका चौधरी का नाम मजबूती से लाया जा रहा है तो ऐसे में भाजपा को वहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों की बातें माने तो अब कई प्रकार के नाम जो है बाड़मेर के भाजपा प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बाड़मेर से भाजपा प्रियंका चौधरी को अपना जो प्रत्याशी नहीं बनाएगी। हमारे सूत्रों की माने, भाजपा के सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो नाम है अगर दूसरे किसी नाम पर सहमति नहीं बनती है तो फिर आखिर जो मोहर है वो कैलाश चौधरी के नाम पर लग सकती है।